नमस्ते, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ बेरिंग को किस तरीके से सफाई करते हैं। मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप यदि स्टैंडर्ड प्रोसीजर से काम करोगे, जो कंपनी का मैनुअल रहता है, जो ट्रेनिंग देते हैं उसके अनुसार आप काम करोगे, तो छोटी छोटी समस्याओं से बहुत सारा समाधान हो जाता है। क्योंकि बेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे टायर के अंदर लगा रहता है बेरिंग, हर एक जगह बेरिंग का यूज किया जाता है। लेकिन आप जब भी ये बेरिंग को निकाल रहे होते हैं तो पुलर की सहायता से बेरिंग को निकालना चाहिए, ठोक कर नहीं निकालना चाहिए। उसकी वजह से इसके अंदर पिले आ जाती है। अब आपने निकाल लिया, निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो मैं आपको मैनुअल के अनुसार निकालूंगा, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है बेरिंग क्लीन करने की। आफ्टर रिमूवल द ऑल बेरिंग डू नॉट स्पिन द बेरिंग, ठीक है, उसको ठोक कर कभी भी निकालना नहीं चाहिए। निकालने के बाद आपको क्या करना है, पेट्रोल लो और टूटी ऑयल लो, दोनों को आधी आधी मात्रा में लेके एक बोतल में रख लो, छोटी सी बोतल ले लो उसको। इसके बाद उसके ऊपर ऐसे डालो, डालने के बाद इसके अंदर जितना भी सारा कचरा रहेगा, गंदगी रहेगी, उसको आप सेक करो सरफेस प्लेट पर रख के, या कपड़े के ऊपर रख के अच्छे से इसको सेक करो, ठोको थोड़ा थोड़ा, तो इसके अंदर जितना भी पार्टिकल रहेगा वो निकल जाएगा। इसके बाद फिर आपको वापस पेट्रोल और टूटी ऑयल को वापस करो, इसके बाद इसको निकाल लो, ठोक लो। ठोकने के बाद आपको फिर क्या करना है, फिर पेट्रोल लेना, जो यूज वाला पेट्रोल नहीं लेना, नया पेट्रोल लेना। नया पेट्रोल लेने के बाद इसके अंदर चारों तरफ से डालोगे, इसके बाद कपड़े से अच्छे से सफाई करो। सफाई करने के बाद हवा का प्रेशर हो, कंप्रेसर आपके पास है तो हवा का प्रेशर दो, तो प्रेशर देने से अंदर जितना भी सारी गंदगी रहती है वो निकल जाएगी। निकलने के बाद फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, आपको मूव भी करेगा बिल्कुल आराम से और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब 90 ग्रेड का ऑयल रहता है, SAE 90, उसके अंदर इसको डुबो के रख दो। आपके पास एक ट्रे में होना ही चाहिए सारे सामान, उसको डुबो के रखो। 5 मिनट बाद उसको आराम से निकालो, निकालने के बाद उसको बाहर रख दो, बाहर जितना ऑयल रहेगा वो निकल आएगा। निकलने के बाद फिर इसको आराम से फिट कर दो। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है बेरिंग क्लीन करने का। तो मैंने आपको आज बताया बेरिंग किस तरीके से क्लीन करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।